हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अभी जो सारे आईपीओ चल रहे हैं उनके लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन के अपडेट की, और उसके अलावा 20 दिसंबर को एक और अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हो गई है उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। दोस्तों, एडवांस होल्डिंग्स का आईपीओ जिसमें अप्लाई करने के लिए आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन 0.46 टाइम्स, मतलब 0.46 गुना ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 46% अभी तक अंडर सब्सक्राइब है ये तीसरे दिन। इसको एक और दिन एक्स्ट्रा मिला है, पता नहीं क्यों एक और दिन एक्स्ट्रा दे दिया है, और उसके अलावा रिटेल पोर्शन भी ज्यादा रख दिया है, क्यूए भी पोर्शन कम है। तो कंपनी देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि रिव्यू के अंदर बहुत ही खराब नजर आ रही है, जो उसका परफॉर्मेंस है बहुत ही खराब नजर आ रहा है। पर्सनली मैंने तो उसको अवॉइड कर दिया है। डिसीजन अब आपको लेना है कि आपको क्या करना है, और आप लोगों में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, एडवांस होल्डिंग्स जो कि कंपनी खराब नजर आ रही है उसके अंदर तो रिटेल पोर्शन ज्यादा रख दिया, और के फिनटेक जो अच्छी कंपनी नजर आ रही है उसके अंदर रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% का, ये मुझे बात समझ में नहीं आई, कुछ हजम नहीं हुई। आपको क्या लगता है, ये सही है या नहीं है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, श्यूला वाइनयार्ड्स का आईपीओ, इसमें अप्लाई करने के लिए आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन 2.33 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो ना तो ज्यादा नजर आ रहा है ना कम नजर आ रहा है, ठीक ही है। सब्सक्रिप्शन जैसा आईपीओ था वैसा इसको सब्सक्रिप्शन मिल गया, और ये आईपीओ भी काफी महंगा नजर आ रहा था, पर्सनली मैंने भी इसको अवॉइड कर दिया है। और दोस्तों, आप लोगों में से किन लोगों ने श्यूला वाइनयार्ड्स के आईपीओ में अप्लाई किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, लैंडमार्क कार्स का आईपीओ जिसमें अप्लाई करने के लिए आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन 0.39 गुना, मतलब 0.39 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 39% ये टोटल दूसरे दिन सब्सक्राइब हुआ है, अभी तक अंडर सब्सक्राइब है, और कल की तारीख में देखते हैं इसको कितना सब्सक्रिप्शन मिलता है। और पर्सनली मैं भी लैंडमार्क कार्स के आईपीओ को भी अवॉइड कर रहा हूं, मतलब ये मेरा फाइनल डिसीजन है लैंडमार्क कार्स के आईपीओ पर, क्योंकि ये भी थोड़ा महंगा नजर आ रहा है, कोई ग्रे मार्केट के अंदर खास डिमांड भी नहीं है, तो मेरा पर्सनली अभी मन नहीं है इस आईपीओ में अप्लाई करने का। आप लोगों में से किन किन लोगों ने लैंडमार्क कार्स के आईपीओ में अप्लाई किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो श्यूला वाइनयार्ड्स और एडवांस होल्डिंग्स, इन दोनों की कोई भी डिमांड नहीं चल रही है आज की तारीख में ग्रे मार्केट के अंदर। फिर दोस्तों, लैंडमार्क कार्स का आईपीओ जिसकी डिमांड सिर्फ 5 रुपए पर शेयर चल रही है, 29 शेयर का ये लॉट है, 5×29 करते हैं तो करीबन 145 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो सिर्फ 1% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, बहुत ही कम है, मतलब देखा जाए तो तीनों आईपीओस की डिमांड आज की तारीख में नहीं है, और मेरा फाइनल डिसीजन यही है, मैं तीनों आईपीओस को अवॉइड कर रहा हूं। पर्सनली मुझे कोई भी खास अट्रैक्टिव पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, ये पर्सनली मेरा डिसीजन है, आपका डिसीजन अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ले, ताकि क्या है कि आपके फ्यूचर के लिए सही रहेगा। फिर दोस्तों, के फिनटेक का जो आईपीओ है उसकी भी अनाउंसमेंट हो गई है, और इसके रिव्यू का वीडियो मेरे चैनल पर मैं डाल चुका हूं, काफी रिसर्च करने के बाद मैंने पूरा के फिनटेक का वीडियो डाला है, तो वो भी जाके देख लीजिएगा कि अप्लाई करना है नहीं करना है, सारी चीजें मैंने उसके अंदर क्लियर कर दी है। और इसकी अभी तक एग्जैक्ट डिमांड नहीं आई है, क्योंकि प्राइस बैंड आज ही आया था, तो एग्जैक्ट डिमांड अब कल तक आ सकती है, मतलब इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड वगैरह क्या रहती है कल तक हमें पता चल जाएगा। और के फिनटेक पर काफी लोग बात कर रहे थे कि इस पर फ्रॉड वगैरह का केस वगैरह हुआ था, मतलब पिछले पास्ट के अंदर, तो उसके बारे में भी जानकारी मांग रहे थे, तो कल तक आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर दोस्तों, एक और अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई है, 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन होगा, एलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और कंपनी देखते हुए मैंने एक नजर में देखी है तो ठीक नजर आ रही है, इसके फाइनेंशियल्स भी ठीक है, और बाकी दोस्तों पूरा इस कंपनी के बारे में जब रिव्यू करेंगे तब उसके बारे में पूरा पता चल पाएगा कि अच्छी है या नहीं है, पर एक नजर में मुझे काफी अच्छी कंपनी ये नजर आई। बाकी इसका प्राइस बैंड वगैरह कैसा आता है, सस्ता आता है महंगा आता है, उस पर सारी चीजें डिपेंड करेगी। फिर दोस्तों, एक और आईपीओ की अनाउंसमेंट हो सकती है, मतलब दिसंबर एंडिंग के अंदर, रेडिएंट कैश मैनेजमेंट कंपनी, तो इसका भी अनाउंसमेंट होते ही तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के आईपीओ के सारे फटाफट अपडेट। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।